कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। 10 सालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर चुकाना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं कि वो राज्य और केंद्र की ताकत क्या होती है ये जितना हरियाणा के लोग समझते हैं ना, हिंदुस्तान में और कोई उतना नहीं समझता है जितना हरियाणा वाले समझते हैं। और इसलिए हरियाणा हमेशा राज्य में वही सरकार बनाता है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। हरियाणा के लोगों की इसकी बराबर समझ है। साथियों, जैसी स्थिति यहां कांग्रेस ने उस समय बनाई थी, आज कर्नाटक में उनकी सरकार है, जरा देखिए, अभी तो 2 साल हुए हैं, क्या हाल करके रखा है। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। जब इसकी जांच शुरू हुई तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी उनको एक और डंडा मारा। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी। और कल ही हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच के आदेश सही है और जांच होनी चाहिए। अब देखिए, 2 साल मुश्किल से हुए हैं, आदत जाती नहीं है। क्या हरियाणा में इनको ये पाप करने का ठेका दे सकते हैं क्या? हरियाणा में इनको घुसने दे सकते हैं क्या? आप ये गलती मत करना, 10 साल बाहर रहे तो सुधर गए होंगे, ये सुधर सकते ही नहीं जी, ये कभी